वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देर आर टू डिफरेंट थिंग, मेनी पीपल कंफ्यूज इन दैम, राइट। तो पहले बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी का मतलब है वैलेंशिया, वैलेंशिया मतलब कैपेसिटी। तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी एलिमेंट की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी है, ये उसकी वैलेंसी होती है। इस वैलेंसी को फाइंड करने के लिए दो स्केल है, एक हाइड्रोजन स्केल है, एक ऑक्सीजन स्केल। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर्स ले रहा हूं। ट्रांजिशन मेटल्स के ग्रुप नंबर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम मेनली अभी ट्रांजिशन मेटल के ग्रुप नंबर यूज नहीं करके हम ग्रुप नंबर यूज कर रहे हैं मॉडर्न ग्रुप नंबर, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एग्जिट कर रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन को नहीं लेना है। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, फिर 3, 4, 5, 6 अप टू 12, डी ब्लॉक आ जाएगा, अभी हम उसको नहीं ले रहे हैं। फिर आ जाएगा 13, 14, 15, 16, 17। 18 ग्रुप भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाता, तो हम कहेंगे उसकी वैलेंसी जीरो होती है। व्हाट आई हैव डन इज, मैंने पीरियोडिक टेबल के ये दो ग्रुप लिए हैं, बीच के 10 ग्रुप्स 3 टू 12 को नेग्लेक्ट कर दिया, और ये पी ब्लॉक वाले ग्रुप लिए हैं 3 टू 17 13 टू 17, ठीक है। इनके एलिमेंट्स लिख देते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है NaH, मैग्नीशियम बनाता है MgH2, एल्यूमिनियम बनाता है AlH3, सिलिकन बनाता है SiH4, फॉस्फोरस का कंपाउंड होता है PH3, सल्फर का H2S और क्लोरीन का HCl। बेस्ड ऑन दीज कंपाउंड बींग फॉर्म, जितने हाइड्रोजन कंबाइन हुए, जितने भी हाइड्रोजन कंबाइन हुए, बस वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। मतलब वन हाइड्रोजन तो वैलेंसी वन, टू हाइड्रोजन वैलेंसी टू, थ्री हाइड्रोजन वैलेंसी थ्री, फोर हाइड्रोजन वैलेंसी टू, थ्री हाइड्रोजन वैलेंसी थ्री, टू हाइड्रोजन टू, वन हाइड्रोजन वन। इसका मतलब हाइड्रोजन स्केल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी इंक्रीज होती है 1 to 4, और फिर डिक्रीज होती है अप टू 0, क्योंकि इनर्ट गैस की जो वैलेंसी है वो 0 है, क्योंकि वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाता। दैट्स हाइड्रोजन स्केल। ऑक्सीजन स्केल, सोडियम का ऑक्साइड होता है Na2O, मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है MgO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3, सिलिकन का ऑक्साइड SiO2, फॉस्फोरस का ऑक्साइड हाईएस्ट ऑक्साइड P2O5, वैसे P2O3 भी होता है बट वी आर टेकिंग हाईएस्ट ऑक्साइड P2O5। सल्फर के दो ऑक्साइड होते हैं SO2 एंड SO3, आई एम टेकिंग द हाईएस्ट SO3। क्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्साइड Cl2O7। अब ऑक्सीजन स्केल में आपको करना क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर एटम इंटू टू। यहां पे एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन है, एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर एटम इज 1 इंटू 2। यहां एक सिलिकन के साथ दो ऑक्सीजन है, तो पर सिलिकन, एक सिलिकन के साथ कितनी ऑक्सीजन है, 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यहां एक सल्फर के साथ तीन ऑक्सीजन है, एक सल्फर के साथ तीन ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर एटम आर 3 3 इंटू 2 6। नाउ दो सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, दो सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन, तो एक सोडियम के साथ हाफ, तो हाफ इंटू टू इज इक्वल टू 1। दोबारा देखो, दो एल्यूमिनियम के साथ तीन ऑक्सीजन,
दो एल्यूमिनियम के साथ तीन ऑक्सीजन, दो एल्यूमिनियम के साथ तीन ऑक्सीजन, तो एक एल्यूमिनियम के साथ कितना होगा 1.5, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, राइट। P2O5 विथ टू फॉस्फोरस देर आर 5 ऑक्सीजन, विथ टू देर आर 5, तो विथ 1 इट विल बी 2.5, तो 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। With 2 chlorine there are 7 oxygen, so with 1 chlorine it will be 3.5. With 2 chlorine there are 7 oxygen, so with 1 chlorine there will be 3.5. 3.5 into 2 is equal to 7. Getting it? So valency variable ho sakti hai. Hydrogen scale pe valency hoti hai. First group ka valency 1, second group ka valency 2, 13th group ka 3, 14th group ka 4. उसके बाद में कम होता है 15, 16, 17 ग्रुप में डिक्रीज होता है 3, 2, 1। और ऑक्सीजन स्केल पे फर्स्ट ग्रुप का 1, सेकंड ग्रुप का 2, 13 ग्रुप का 3, 14 ग्रुप का 4, सेम एज हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन स्केल पे 15 ग्रुप का 5, 16 ग्रुप का 6 और 17 ग्रुप का 7। दीज आर द वैलेंसीज, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। Now comes the next idea about the oxidation number. Oxidation number. We'll talk about this topic in much more detail as a whole chapter, redox. Right now we just do the introduction of oxidation number. What is oxidation number? Oxidation number is a real और वर्चुअल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर, राइट डाउन, ऑक्सीडेशन नंबर इज अ रियल और वर्चुअल चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम, एक्वायर्ड बाय एन एटम व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम एलिमेंट टू कंपाउंड। जैसे सोडियम है एटम, एटम तो न्यूट्रल होता है तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन एटम है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है, तो मैं कहूंगा इनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। जब कंपाउंड बनता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं या फिर शेयर होते हैं। जब कंपाउंड बनता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं या फिर शेयर होते हैं। तो एटम के ऊपर कुछ चार्ज प्रोड्यूस होता है, सम चार्ज इस प्रोड्यूस, एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बना लिया Na प्लस, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना लिया Cl माइनस। नाउ बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, कंपाउंड बन गया NaCl। इन द कंपाउंड NaCl सोडियम इज हैविंग प्लस वन चार्ज, क्लोरीन इज हैविंग माइनस वन चार्ज, तो आई वुड से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज प्लस वन, एंड आई वुड से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज माइनस। तो जब ये एलिमेंट से कंपाउंड बनाते हैं तो कुछ चार्ज एक्वायर करते हैं। जितना चार्ज एक्वायर करते हैं उस चार्ज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो उतना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए उतना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए
उतना नेगेटिव ऑक्सीडेशन है। बट टेकिंग एन एग्जाम्पल फॉर दिस कंडीशन, आई एम टेकिंग मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम का कॉन्फिगरेशन होता है नियॉन PS2, आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है नियॉन PS2 3P5, नियॉन PS2 3P5। So what happens? मैग्नीशियम को अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, अपना शेल कंप्लीट करना है, तो क्या करता है, अपने बाहर के दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, सो इट विल एक्वायर द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक क्लोरीन के पास, मैग्नीशियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे क्लोरीन के पास। तो मैग्नीशियम ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दो, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +2। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, एक क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो हम कहेंगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो बन गया कंपाउंड MgCl2, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, द रियल और वर्चुअल चार्ज, द एक्चुअल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम एलिमेंट टू कंपाउंड, राइट, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन, रियल और वर्चुअल चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम एलिमेंट टू कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर इज अ रियल चार्ज इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर इज अ रियल चार्ज इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सो हियर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना नेगेटिव ऑक्सीडेशन। सिंपल आइडिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन, ऑक्सीडेशन नंबर इज इमेजिनरी इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो जैसे HCl है, तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किया, हाइड्रोजन ने डोनेट किया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं है, शेयर किया है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन पे एक्चुअली कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हम इमेजिन करते हैं, व्हाट इफ द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज ब्रोकन, क्या होगा अगर हम हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, व्हाट इफ द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज ब्रोकन। तो इसके लिए रूल होता है, रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर इन कोवेलेंट कंपाउंड। सिंपल रूल है, बहुत सिंपल रूल है। द रूल सेज +1 पर बॉन्ड फॉर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। -1 पर बॉन्ड फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 0 पर बॉन्ड
इफ बॉन्ड इज बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यहां से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस चालू हो जाती है। हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और क्लोरीन की 3, या हमें पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कंपेयर टू क्लोरीन। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को देंगे प्लस वन पर बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देंगे माइनस वन पर बॉन्ड। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया प्लस वन, क्लोरीन का माइनस वन। ऐसा हमने क्यों इमेजिन किया, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर इमेजिनरी हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, वाटर। अगेन यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन हाइड्रोजन, हमेशा याद रखो। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हाईएस्ट इन एंटायर पीरियोडिक टेबल। सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर फ्लोरीन किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, किसी के भी साथ फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, और जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को ही मिलेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है और ऑक्सीजन की सेकेंड हाईएस्ट है। वेल कमिंग टू दिस, अब इस बॉन्ड में पहले इस बॉन्ड को कंसीडर करो, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है प्लस वन पर बॉन्ड, ऑक्सीजन की ज्यादा है माइनस वन पर बॉन्ड। अब दूसरे बॉन्ड को कंसीडर करो, हाइड्रोजन की प्लस वन, ऑक्सीजन की माइनस वन, तो टोटल कितना हो गया ऑक्सीजन का माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज माइनस टू एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज प्लस वन। ओके, टेक वन मोर कंपाउंड एच ओ ओ एच। ओके नाउ ध्यान से देखना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को मिलेगा प्लस वन फॉर वन बॉन्ड, ऑक्सीजन को माइनस वन फॉर वन बॉन्ड। अगर एटम सेम एलिमेंट के बीच में है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो कितना मिलेगा, जीरो जीरो, दोनों को जीरो जीरो। अब ये वाला बॉन्ड कंसीडर करो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस वन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को माइनस वन, तो इस ऑक्सीजन का टोटल कितना हुआ माइनस वन, और इस ऑक्सीजन का टोटल कितना हुआ। तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस वन इन H2O2। सो अगर आयोनिक कंपाउंड है तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उतना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उतना नेगेटिव ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट प्लस वन पर बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट माइनस वन पर बॉन्ड। सेम एलिमेंट है तो जीरो पर बॉन्ड। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज कॉन्स्टेंट माइनस वन, ऑलवेज नो वेरिएशंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप लिथियम, बेरिलियम,
सॉरी लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप ऑलवेज प्लस वन, कोई वेरिएशन नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकेंड ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स प्लस टू। इसके बाद 13th ग्रुप 14th ग्रुप 15th ग्रुप 16th ग्रुप एंड 17th ग्रुप, थर्टीन ग्रुप फोर्टीन ग्रुप फिफ्टीन ग्रुप सिक्सटीन ग्रुप एंड सेवनटीन, मतलब पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में दो तरह के ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे उसके आउटर एस में कितने इलेक्ट्रॉन है वो चेक करेंगे, आउटर पी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी चेक करेंगे, और फिर कर देंगे माइनस एट, तो हमें मिल जाएगा उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे 13 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2NP1, 14 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2NP2, 15 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2NP3, 16 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2NP4, 17 ग्रुप का NS2NP5। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एस और पी के इलेक्ट्रॉन टोटल करो कितना है, 3, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5, मतलब इनके ऊपर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है माइनस 5। चार इलेक्ट्रॉन है तो 4 माइनस 8 माइनस 4, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो 14 ग्रुप के एलिमेंट है कार्बन वाला ग्रुप, कॉलेज स्टूडेंट गेट्स सम प्रॉब्लम, उनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, माइनस 4, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। 15 ग्रुप, नाना पापा आंटी सब बीमार, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 माइनस 8 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 माइनस 8 माइनस 1, ये आ गई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ग्रुप नंबर माइनस 10 और एनएस एनपी इलेक्ट्रॉन, एस और पी में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3 ही है तो डोनेट भी कितने हो सकते हैं, 3। एस और पी में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो डोनेट भी कितने हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7। तो ये रेस्पेक्टिव ग्रुप की मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, राइट। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नॉर्मली प्लस वन होता है विथ नॉन मेटल,
और माइनस वन होता है विद मेटल। तो अगर मैंने कंपाउंड बनाया H2O और कंपाउंड बनाया MgH2, तो यहां पे ईच हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी प्लस वन पर हाइड्रोजन, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, और यहां पे माइनस वन पर हाइड्रोजन क्योंकि मेटल के साथ बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिव विथ ऑल एलिमेंट्स, माइनस टू, माइनस वन और माइनस हाफ। पॉजिटिव विथ ओनली क्लोरीन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होता है एक्सेप्ट विथ फ्लोरिन। जब इसका कंपाउंड फ्लोरिन के साथ बनता है तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, बाकी सभी केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होता है। आप सोचेंगे माइनस हाफ कैसे, हाफ चार्ज कैसे आया? एक्चुअली दो ऑक्सीजन पे मिला के अगर माइनस वन होगा कलेक्टिवली, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? माइनस। तो नॉर्मली ऑक्सीजन जितने भी कंपाउंड बनाता है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो माइनस टू होता है या माइनस वन या माइनस हाफ। लेकिन जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन भी हो सकता है और प्लस टू भी हो सकता है। ठीक है, जैसे OF2 एंड O2F2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर x, फ्लोरीन का माइनस वन इंटू टू। अब देखो इन दोनों को मिला के चार्ज कितना है? जीरो है। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन और क्लोरीन का मिला के टोटल चार्ज कितना है? जीरो। ऑक्सीजन का एक्स, क्लोरीन का तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? माइनस वन होता है। ठीक है, क्लोरीन ऑलवेज माइनस वन। एक फ्लोरीन का माइनस वन तो दो फ्लोरीन का माइनस टू। तो ऑक्सीजन का एक्स, क्लोरीन का माइनस वन इंटू टू एंड टोटल चार्ज कितना है? जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टू, मतलब यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का मिला के टोटल चार्ज जीरो है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का मिला के टोटल चार्ज जीरो है। अब ऑक्सीजन का चार्ज 2x, क्लोरीन का माइनस वन इंटू टू, टोटल इज इक्वल टू जीरो। तो 2x इज इक्वल टू प्लस टू, तो x इज इक्वल टू प्लस वन। बट ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज पॉजिटिव ओनली एंड ओनली विद क्लोरीन। फॉर कंपाउंड्स सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ constituents is equal to zero. जैसे मैं बनाता हूं compound, let's say LiAlH4. तो यहां पर जब आप सभी के oxidation number का total करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम मतलब लिथियम का चार्ज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम का चार्ज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू फोर, इन सबका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। चेक कर लेते हैं। लिथियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? प्लस वन। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है, प्लस थ्री।
हाइड्रोजन जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, अभी बताया मैंने आपको। हाइड्रोजन जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, सबका टोटल कितना आएगा +3 +1 +4 एंड -4 = ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कितना होता है +1, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X एंड टोटल = 0, कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, तो सल्फर का कितना हो जाएगा -, राइट। फर्दरमोर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन हियर सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स = चार्ज ओवर आयन। जैसे मैं लिखता हूं CO3-2, तो यहां पे इन सबका जब टोटल करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन (3), इन सबका टोटल कितना आएगा = द चार्ज -, राइट। तो दिस इज द हाउ वी यूज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है एक्चुअल और वर्चुअल चार्ज। अगर आयोनिक कंपाउंड होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उतना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, और जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उतना नेगेटिव ऑक्सीडेशन। अगर कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो चार्ज इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी का मतलब हम ये इमेजिन करते हैं कि अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या चार्ज प्रोड्यूस होंगे। उसको इमेजिन करने के लिए हमने रूल बनाया है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको दो +1 पर बॉन्ड, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको दो -1 पर बॉन्ड। टेकिंग एन एग्जाम्पल, सपोज मैं लिखता हूं CO2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको लर्न करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कार्बन 14 ग्रुप में है और ऑक्सीजन 16 ग्रुप में है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इसको मिलेगा +1 पर बॉन्ड। यहां दो बॉन्ड है तो +2, इसको ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको मिलेगा -1 पर बॉन्ड। यहां देखो ऑक्सीजन को मिलेगा -1 पर बॉन्ड तो दो बॉन्ड के लिए -2, और कार्बन को मिलेगा +1 पर बॉन्ड तो दो बॉन्ड के लिए +2, टोटल कितना हो गया प्लस। गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। इसका मतलब अगर इस कंपाउंड के सभी बॉन्ड ब्रेक कर दिए जाएं तो ऑक्सीजन पे चार्ज -2 आएगा और कार्बन पे चार्ज +4 आएगा। कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होते, जैसे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही आता है, चाहे कुछ किसी भी तरह से कैलकुलेट करो। एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप, एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही होता है। एल्कली अर्थ मेटल्स सेकेंड ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है अगर वो नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है अगर वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम की हम एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 16 ग्रुप का जो एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन सल्फर, हम ये बोल रहे हैं कि इसके एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम -2 हो सकता है और मैक्सिमम +6। जैसे 17 ग्रुप है हैलोजन,
तो हम ये बोल रहे हैं कि इस ग्रुप के मेंबर का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर या तो माइनस वन हो सकता है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या ज्यादा से ज्यादा सेवन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन ही होगा या प्लस सेवन ही होगा। क्लोरीन का हैलोजन का 17th ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होगा वो माइनस वन से प्लस सेवन के बीच में हो सकता है, प्लस सेवन से ज्यादा नहीं हो सकता, माइनस वन से कम नहीं हो सकता, चाहे कोई भी कंपाउंड बना लो। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जब सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल करते हैं तो वो जीरो आता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूरे पीरियोडिक टेबल के साथ नेगेटिव होता है, कभी माइनस टू, कभी माइनस वन, कभी माइनस हाफ। लेकिन जब ऑक्सीजन फ्लोरिन के साथ आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होता है। फर्दर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल करो तो हमेशा जीरो आता है, राइट? अगर वो कंपाउंड है तो, अगर वो एक आयन है तो ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल करने पे आता है इक्वल टू द चार्ज ओवर आयन। जैसे SO PO4 माइनस 3, जब मैं फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल करूंगा तो चार्ज मस्ट कम इक्वल टू माइनस 3, राइट? नाउ सपोज आई आस्क, एल्यूमिनियम एंड सल्फर में कंपाउंड बनता है, प्रेडिक्ट फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस 3 होता है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर कौन से ग्रुप में है? ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, 16 ग्रुप में। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? 16 ग्रुप में। जब एल्यूमिनियम प्लस है तो सल्फर को माइनस होना पड़ेगा, तभी तो कंपाउंड बनेगा। अगर एल्यूमिनियम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सल्फर को नेगेटिव में होना पड़ेगा, तभी तो कंपाउंड बनेगा। और सल्फर का नेगेटिव मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, 16 ग्रुप का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? माइनस टू। तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस टू, एंड देन वी राइट द चार्जेस क्रिस क्रॉस, तो कंपाउंड बन जाएगा Al2S3। सपोज मैं आपसे बोलता हूं गिव फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। अब ऑक्साइड का मतलब होता है O-2, तो मुझे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाना है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस 3 होता है, कांस्टेंट होता है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड मतलब -2। ठीक है, चार्ज को लिखेंगे इसको, कंपाउंड बन जाएगा Al2। रिमेंबर ऑक्सीजन के तीन ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, O-2, O2-2 एंड O2-1। एक ऑक्सीजन पे -2, दो ऑक्सीजन पे -2 तो एक पे -1, दो ऑक्सीजन पे -1 तो एक पे -1/2। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइड, और अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो कंपाउंड को बोलते हैं पेरोक्साइड, और अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आता है तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। जैसे मैं आपसे बोलता हूं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम एक एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1, और सुपर ऑक्साइड का मतलब O2-1, तो +1-1 कैंसिल हो गया, कंपाउंड क्या बन गया? KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इफ आई से पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओ,
ऑक्साइड का मतलब ओ माइनस टू, तो फॉर्मूला हो जाएगा के टू ओ, चार्ज क्रिस क्रॉस। ये हो गया ऑक्साइड। मैं आपसे कहता हूं पोटेशियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला बनाओ, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो प्लस वन होता है, और पेरोक्साइड मतलब ओ टू माइनस टू, चार्ज क्रिस क्रॉस, के टू एंड ओ टू, ये बन गया पेरोक्साइड। दैट्स हाउ वी यूज द ऑक्सीडेशन नंबर। वी हैव जस्ट डन द टिप ऑफ आइसबर्ग इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी शॉर्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एक्चुअल डिस्कशन अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर, द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी डूइंग इन द चैप्टर रेडॉक्स।